मेरा नाम विपिन पवार और गांव का सोती पढ़ते मैं गुजर समाज से हूं। अभी हमारे इतिहास के साथ आप कुछ टाइम से देख भी रहे होंगे, हमारे इतिहास के साथ जो अभी ये छेड़छाड़ हो रही है, और एक बार नहीं ये बार बार हमारे समाज का कहीं ना कहीं शोषण ये लोग कर रहे हैं। तो मैं एक छोटा सा मैसेज आप लोगों को देना चाहूँगा, अगर इस बार पृथ्वीराज चौहान जी के इतिहास को लेकर, हमारे गुजर समाज के इतिहास को लेकर कोई भी छेड़छाड़, अगर ये बॉलीवुड इंडस्ट्रीज कोई भी ऐसा गलत काम करती है, तो हम लोग पूर्ण तरह उसका विरोध करेंगे। और एक मैसेज मैं आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा ये मैसेज छोड़ना चाहूँगा, अगर सहारनपुर ज़िले में पृथ्वीराज चौहान जी की मूवी और इसमें पृथ्वीराज चौहान को अदर समाज से दर्शाया जाता है, तो सहारनपुर में इसका पूर्ण रूप से विरोध होगा और कोई भी सिनेमा हॉल सहारनपुर के अंदर चलने नहीं दिया जाएगा। उसके लिए चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमें मुकदमे लगाने पड़े, गुजर समाज इतना सक्षम है वो मुकदमे भी झेल सकता है, वो जेल भी जा सकता है। तो ऐसा कोई भी गलत काम ना करें जिससे यहाँ पर जातिगत कोई भेदभाव उत्पन्न हो, और आगे भविष्य में अगर कोई भी ऐसी हरकत होती है तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन सब इसका जिम्मेदार है। अच्छा, कुछ दिन पहले देखा गया मिहिर भोज जी का जो मुद्दा हुआ, जो मूर्ति का अनावरण किया योगी जी ने, वो भी मुद्दा उठा था, फिर बंद हो गया, अब कोई नहीं पूछता उस मुद्दे को, क्या इसके साथ ही ऐसा कुछ नहीं है। उस मुद्दे को लगातार उठाया जा रहा है। आप अगर यहाँ से आप दिल्ली भी जाओगे, रोड पर जितने भी गुजरों के गाँव पड़ेंगे, आप देख सकते हो गुजर समाज का खासकर युवा वर्ग इतना जागरूक हो चुका है कि हर गांव में, एक गांव में चार चार बोर्ड तक वहां पर गुजर सम्राट मिहिर भोज जी के लगाए गए हैं। और आगे हमारे समाज के साथ कोई ऐसी छेड़छाड़ ना हो, इसके लिए युवाओं की तरफ से मैं एक अपील करना चाहूँगा, आप लोग, और ये सरकार के लिए भी है, योगी सरकार नहीं कोई भी सरकार है, अगर हमारा विरोध करेगी तो हम उसका विरोध करेंगे। तो कोई भी ऐसी स्थिति ना पैदा करें जिससे जो तो दो जातियों में कोई ऐसा मतभेद उत्पन्न हो और उसके जो परिणाम होंगे वो भविष्य में बड़े खतरनाक होंगे। अच्छा, अगर मूवी बात नहीं मानती आपकी, जो जिस टाइप प्रोडक्शन है वो बात नहीं मानता, तो क्या एक्शन लोगे अगर मूवी वैसे ही रिलीज़ हो जाती है? सहारनपुर के अंदर ये मूवी नहीं लगने दी जाएगी। इसके लिए चाहे सिनेमा हॉल जलाना पड़े या रोड पर उतरना पड़े, सड़कों पर जाम लगाना पड़े, यहाँ पर ये मूवी रिलीज नहीं होने दी जाएगी। तो लगता नहीं कि हिंसा का माहौल हो जाएगा? तो वो उसका जो जिम्मेदार होगा वो शासन प्रशासन और ये जो बॉलीवुड है ये उसका जिम्मेदार है, हम लोग नहीं होंगे उसके जिम्मेदार। अगर यशराज प्रोडक्शन आपकी बात मान लेता है और उसमें गुजर शब्द लगा देता है या फिर राजपूत शब्द हटा देता है, तो क्या राजपूत नहीं उससे परेशान हो जाएगी? वो उनकी जिम्मेदारी है, शासन प्रशासन अपने आप देखेगा, इसमें हमारा समाज कोई जिम्मेदार नहीं है। अगर गुज्जर हैं तो गुज्जर ही रहेंगे भाई, वो गुज्जर हैं गुज्जर ही रहेंगे, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हम लोग पूर्णतः इसका विरोध करेंगे और जमकर विरोध करेंगे भाई। जो सत्य है वो तो सत्य रहेगा ना, वो तो दावा करते कि वो तो राजपूत थे, तो हम लोगों के पास तो अपने तथ्य दिखाए ना, हमारे पास है तो कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते वो मीडिया के सामने? तो मीडिया के सामने कौन? और सुनो, सबसे बड़े अगर इस चीज़ को सही तरीके से आप लोग मीडिया वाले, आप लोगों ने भी तो पढ़ाई की है, क्या आप लोगों को नहीं पता प्रतिहार वंश के शासक कौन थे? सबसे पहले लिखा रहता है गुजर समाज के प्रतिहार शासक के वंश कौन थे, हमारे जो सम्राट मिहिर भोज जी थे, सबको पता है, आप लोगों ने भी पढ़ा है, ऐसा नहीं आप लोग पढ़े लिखे नहीं है। तो आप लोग भी इसका सवाल तो मीडिया वालों को उन लोगों से करना है जो लोग दूसरे के बाप को अपना बाप बना रहे हैं, ना कि हमारे से करें। पूरा टिकोला गांव प्रतिहारों का वंशज है, हमारा गांव है ना, इधर आइए। जो प्रतिहार की बात कर रहे हो राजवंश की आप, हमारा पूरा गांव टिकोला उत्तराखंड में पड़ता है, हरिद्वार जिले में, पूरा का पूरा प्रतिहारों का गाँव है, ठीक है? इधर तीन गांव पड़ते हैं, एक टिकोला हो गया, एक यूपी में अंतवाड़ आ गया, प्रतिहारों के राजवंश है, अब से नहीं लगभग कई सौ सालों से प्रतिहार लिखते आ रहे हैं। बारह गांव मंडारों के हैं, वो भी प्रतिहारों के राजवंश हैं, आप हमारे यहाँ बारह है मंडारों के गांव, वो भी प्रतिहारों के राजवंश, और ये सिर्फ मंडारे हैं, प्रतिहारों की लड़ाई नहीं है, पूरे गुजर समाज की लड़ाई है, और हम इसे मजबूती से लड़ेंगे और लड़ भी रहे। और हमने इस भाजपा सरकार को सबसे बड़ा वोट बैंक जो था इसका हम गुजर थे, हमने इसे 99% वोट हम गुजर दिए, इसने हमें क्या दिया, इसने सिर्फ हमें अपमान दिया, आज तक हमने इसको 90% वोट दिया, उसके बदले में इसने 3 साल तक हमारा एक भी, पहली कैबिनेट ऐसी थी उत्तर प्रदेश में जिसमें हमारा कोई मंत्री नहीं था पूरे आज़ादी से लेकर आज तक, और इस प्रदेश में हम डिप्टी सीएम तक भी रहे बाबू नारायण सिंह चौहान। और जी इसमें अगर आप लोग देखिए, अगर आप लोग मीडिया, क्योंकि आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग देखेंगे इसमें फिर अदर समाज इनका साथ क्यों नहीं दे रहा है? आप जाट समाज से, आप जाटव समाज से बहुत से भाई हैं, सब खुलकर सामने आ रहे हैं, सब विरोध कर रहे हैं लोगों का, उन लोगों को भी पता है गुजर से गुजर ही हैं, अदर समाज तो इनके साथ नहीं है ना,
हर समाज का व्यक्ति गुजर समाज के साथ खड़ा है, और इस मामले में अगर हमारे साथ कोई भी ऐसा हम लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश की गई तो इसके जो परिणाम होंगे बड़े खतरनाक होंगे। अच्छा, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे जो युवा है राजपूत समाज के भी गुजर समाज के भी वो आपस में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, आप शब्द बोल रहे हैं, तो उससे आपसी भाईचारा नहीं खराब होने का डर है? मैं सभी से पहल उधर से होती है, हम तो बस जवाब देते हैं, अगर वो पहल करेंगे तो जवाब हम देंगे, चाहे मैं गाड़ी गलोच में आ जाए, धन मन धन गन किसी से आ जाए, जवाब दे जाएगा। उनके साथ तो कोई भी नहीं है, जो अखिल भारतीय यादव महासभा है उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने भी पत्र लिखा है सरकार को हमारे पक्ष में, और जाट महासभा ने भी लिखा है, हर समाज हमारे साथ खड़े, वो तो सबको अपना बना रहे, वो तो सुहेल देव राजभर सबको बता, राजभरों के राजा हैं उसको भी, वह राजपूत बता रहे, वो तो करसन जी यदुवंशी ऐसे पूरे उसमें विख्यात है, यदुवंशी है, करसन जी को भी राजपूत बता रहे, वो तो जो उन्होंने तो भील भी नहीं छोड़े, जो पुंजा भील हैं वो आदिवासियों के राजा हैं उनको भी वो तो राजपूत बता रहे, तो वो तो भाई सब पे दावा कर रहे हैं, उनके कहाँ कहाँ तक चलेंगे, और उनकी नई आर्मी भी दावा कर चुकी है कि वो हमारे गुजर समाज से, एयरपोर्ट की डिमांड भी वो गुजर सम्राट मीर भोज जी के नाम से कर चुकी है, और तो उन्होंने अगर सत्ता में आते हैं तो उन्होंने 50 फीट की मूर्ति का अनावरण करने के लिए भी उन्होंने बोल दिया, और अगर ये सरकार अभी नहीं समझी, हमने इसको 90% वोट दिया और इसने हमें आज तक सिर्फ अपमान दिया, हमने फिर भी इसको वोट दिया केवल हिंदुत्व के उसमें, और अब ये गुजर समाज इतना बेवकूफ नहीं, अगर हमारे प्रत्याशियों को ज़्यादा टिकट मिलेंगे या हमारा सम्मान होगा तो हम इसको वोट देंगे, अगर ये हमारे साथ इतिहास के साथ छेड़छाड़ करेगी और हमारे नेताओं का भी अपमान करेगी और हमारे समाज का अपमान करेगी तो हम इसे बिल्कुल सरकार से बाहर कर देंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश की 45 सीटों पर गुजर बाहुल्य है, और जिसमें इसके चक्कर में हमने अपनी जीते हुए विधायक हराया, नुकुड़ से हमारी 90,000 वोट है मेरे समाज की, और विधायक हमने वहाँ से दूसरे समाज का जिताया सिर्फ हिंदुत्व के उसमें, किठोर विधानसभा में हमने अपने गजराज सिंह नागर को हराया, इसकी वजह से हमने अपने जीते हुए कैंडिडेट वेदराम भाटी को हराया, वहाँ ठाकुर धीरेन्द्र सिंह को जिताया, वही ठाकुर धीरेन्द्र सिंह आज मेरे समाज के विपक्ष में करणी सेना के उससे योगी जी से उनकी मुलाकात कराते हैं और मेरे समाज का विरोध कर रहा है, हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने के, और इस बार भाजपा को दिखा देंगे समाज की ताकत क्या है, गुजर समाज क्या ताकत और हैसियत रखता है, इस पश्चिम उत्तर प्रदेश से सफाया कर देंगे बीजेपी का अगर हमारे समाज के इतिहास के साथ कोई भी छेड़छाड़ की गई, बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है, और ये पिक्चर तो हम रिलीज नहीं होने देने का, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ हमारे इतिहास के साथ होगी, यह सहारनपुर नहीं पूरे भारत का गुजर इसमें है, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, कर्नाटक में भी हमारे समाज के कुछ लोग रहते हैं, वहाँ भी जम्मू कश्मीर हो, मुस्लिम गुजर हो, हिंदू गुजर हो, सिख गुजर हो, जैन धर्म में भी बिहार में हमारे कुछ गुजर हैं, कुछ भी हो, गुजर कभी धर्म में विश्वास नहीं रखता, गुजर होने में विश्वास रखता है, और गुजर शब्द हमारे लिए सर्वोपरि, और हम इस लड़ाई को पूरी मजबूती से लड़ेंगे, विपिन भाई है मेरे सहारनपुर के, बीड़ा इन्होंने उठाया हुआ है, इनके साथ पूरा युवा वर्ग लगा हुआ है, बाकी बात विपिन समाज के साथ, देखो आप भी हो किसी समाज से हो, हम सम्मान करते हैं पूरे समाज का, और मैं समाज के अपने युवाओं से अपील करूंगा, कोई किसी फेसबुक मीडिया के जरिए किसी माँ बहन को गाली ना दे, और कोई हमारी को देता है फिर किसी भी हद तक जाओ, वो बर्दाश्त नहीं होगा, अगर वो गाली देते हैं तो फिर मौके की तलाश करो, फंसे कब, उनका इलाज ही कर दो, लेकिन ये कहूँगा मैं, देखो माँ बहन सबकी एक जैसी होती है, उनकी माँ बहन हमारी, वो नीचता बह रहे हैं तो तुम नीचता बहनाओ, जवाब सही समय का इंतजार करो, जवाब देंगे, ज़बरदस्त देंगे, और ये मैसेज तो हम अभी भी कह रहे हैं, सहारनपुर में कोई ये गलत कोशिश ना करें कि यहाँ पर मूवी रिलीज करें, इसके परिणाम ज़्यादा गंदे होंगे, और फिर शासन प्रशासन को भी मैं कहूँगा कि ऐसी कोई अनुमति किसी भी सिनेमा पिक्चर हॉल को ना दें, क्योंकि उसके रिजल्ट भयंकर होंगे, पहले भी गुजरों ने अपने आंदोलन के लिए यहाँ पर सड़कों पर उतरने पर मजबूर हुए, हमारे 72 जो गुजर थे वहाँ राजस्थान के अंदर, उनको इसी भाजपा सरकार द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया, और ऐसी स्थिति यहाँ ना बने, क्योंकि यहाँ गुजर सक्षम है, ना पैसे में कमज़ोर है, ना ज़मीन में कमज़ोर है, लट में तो गुजर कभी कमज़ोर रहा ही नहीं, तो इस बात को सरकार ध्यान में रखे, और अब की बार कोशिश रहेगी कि भाजपा नेताओं को जितने भी गुजर बाहुबल क्षेत्र हैं उनमें घुसने भी नहीं दिया जाएगा, अगर हमारे साथ इतिहास और बिल्कुल अगर हमारे इतिहास के साथ कोई भी छेड़छाड़ हुई तो इसका परिणाम कहीं ना कहीं लोकल नेताओं को भुगतना पड़ेगा। अंदर पृथ्वीराज जी ने कहा था कि हमारी लड़ाई किसी सरकार से नहीं है, समाज से नहीं है, एक कंपनी से है, एक प्रोडक्शन हाउस से है, तो फिर सरकार पर क्यों ब्लेम कर रहे हो बार बार? क्योंकि सरकार पर ब्लेम करने का ये तो अभी हुआ पृथ्वीराज मूवी वाला, आप इससे पहले भी देख लो ना, आप मीर भोज जी वाला मामला चल रहा है, ये क्या सरकार, ये कोई प्रोडक्शन से थोड़ी ना था, तो कहीं ना कहीं दूसरे, अब देखो गुजर अब जागरूक हो चुका, पहले जो गुजरों की स्थिति थी और अब जो स्थिति है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, अब गुजर शिक्षित भी है, पैसे से तो पहले से ही मजबूत है, शिक्षित है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अपने समाज के बारे में पता चल रहा है, आज हम लोग ऐसे हो चुके हैं कि इनसे सवाल जवाब करते हैं, कहीं ना कहीं लोगों ने शासन तो इतना कुछ, मैं वर्ड नहीं यूज करना चाहूँगा, वो किस तरह इन्होंने शासन किया, क्या क्या कुर्बानियाँ इन लोगों ने दी वो सबको पता है, जब भी मुग़ल इन पर शासन करते थे, अब कहीं ना कहीं आप देख लो मुग़लों के साथ जितनी भी शादियाँ हुई हैं वो कौन कौन हुई हैं, ज़्यादातर राजपूत समाज से हुई हैं ना,
और सारी किस लिए, ताकि इनकी जमीन बच जाए, ताकि ये शासन करते रहें। तो गुजरों को ये चीज़ मंजूर नहीं थी भाई, ना उस टाइम थी ना हो, गुजरों में दलाली वाला खून कभी हुआ ही नहीं। तो अभी भी मैं यही कहना चाहूँगा, कोई गंदी हरकत ना करें, उसके परिणाम गलत होंगे। भाई योगी जी एक पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो केवल एक राजपूत समाज के मुख्यमंत्री नहीं थे। उन्होंने तो वहाँ, वो अगर वहाँ जाते हैं अलीगढ़ में तो बोलते हैं जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह ठाकुर, वहाँ जाते हैं बांदा में तो बोलते हैं ठाकुर रोशन सिंह। तो क्या गुज्जर सम्राट मीर भोज नहीं बोल सकते थे? वो जब गुज्जर पन्ना दाई बोल सकते, एक दासी मतलब दासी स्वीकार कर सकते हैं गुज्जरों को, राजा स्वीकार नहीं कर सकते? गुज्जर सम्राट मीर भोज नहीं बोल सकते थे? और हमें तो धिक्कार है अपने उन नेताओं पर भी जो उस समय मंच पर थे, वो भी नहीं गुज्जर शब्द अपने मुँह से निकाल पाए, इतने दबाव में आ गए। अरे मंत्री मंत्री तो गुज्जर समाज उनको ऐसे ही बना देता, मंत्री निर्दलीय जिता के भेजते हैं, उन्हें क्या जरूरत थी वहाँ झुकने की? मना कर देते साहब भाई, हम अपने किसी सम्मानित व्यक्ति से अपने से करा लेंगे उद्घाटन, जन नहीं हम चाहिए हमें मुख्यमंत्री से उद्घाटन, जो एक समाज का मुख्यमंत्री हो। वो केवल ठाकुर अजय सिंह बिष्ट है, योगी आदित्यनाथ नहीं रहे वो, अब उनसे ही उम्मीद नहीं थी हमको, क्योंकि हमने उनको एक तरफा वोट दिया था। धन्यवाद।